तो इस पे कीड़े तो आएंगे ना, आना चाहिए कि नहीं? क्यों आना चाहिए? एक लिमिट ऐसी आती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो
क्योंकि अभी तो कीड़ा भी खाता है, मेंढक भी खाता है, सांप भी खाता है, बहुत सारी चीजें कीड़ों को खाने वाली है, और कीड़े अपनी वनस्पति खाते, दो चार होना तो कोई हरकत नहीं है उनको खाने का, ज्ञानेश्वर को याद करके उनको खाने का। लेकिन ये 100-200 हो जाए हर डाल पे तो मुश्किल है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट बिगड़ेगा। आप यदि ये ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो ऐसा जैम कभी नहीं होता, जो जितना चाहिए उतना ही घूम रहा है, उसी स्पीड से बन रहा है। आपका आटा जैसे खराब हो रहा है वैसा वहां पर ये हो रहा है, कीड़ा आ रहा है, कीड़ा आना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, हम उसको पेस्ट रिपेलेंट बोलते हैं, कीटनाशक हिंदी में लिखना तो कीट नियंत्रक, मराठी में कीटनाशक, हिंदी में भी ठीक है। तो किस चीज से बनाओगे कीटनाशक, देखें क्या आपने कहा स्प्रे वाला, स्प्रे करने के लिए कहा देखा, खेतों में तो डालते हुए देखा होगा, आप बाजार से लाते हैं ना, दुकान से लाते हो ना, आप में से किसी ने भी ये नहीं किया होगा, खरीद के लाया नहीं होगा, आपके माँ बाप ही करते होंगे, लाते हैं लाते हैं आप, क्या भाव क्या भाव है जो सुनो सुनो, ये बच्चा क्या बोल रहा है, 2400 रुपये का 500 ग्राम यानी 4800 रुपये किलो लीटर, हाँ नहीं ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये खरीद के लाते हैं, वर्धा में बहुत सारे किसान खरीद के लाते हैं, लेकिन हर प्रदेश के अंदर ऐसी वनस्पतियां हैं, हर प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में, आप कौन से जिले से, पता नहीं है कभी जिले इसके तो प्लीज समझ लीजिए, ये जो है दो प्रकार के मुझ पे ध्यान तो मजा आएगा, आप बोलेंगे तब मैं आप पे आपको मजा आएगा। एक चीज समझ लीजिए, कीड़ा कुछ चीजें नहीं खाता है, गाय जितनी चीजें खाती है उससे ज्यादा बकरी खाती है, देखा है आपको क्यों, तो प्रश्न है, क्योंकि गाय की अपेक्षा जहर पचाने की ताकत बकरी में 12 गुना ज्यादा है जी सर, उसको डोज ज्यादा लगेगा सर, 12 गुना ज्यादा, तो वो तमाम पत्तियां, ये तमाम वनस्पति के हिस्से जिसे बकरी नहीं खाती है, उससे हम कीट नियंत्रण बना सकते हैं। गेटिंग पॉइंट, कितना बड़ा उतारूंगा दिया हमें, हमें नहीं मालूम छत्तीसगढ़ की बकरियां क्या नहीं खाती, नहीं तो बकरियों के साथ घूमो वही बता रहा हूँ, घूमने का अर्थ क्या है, आप या तो घुमाओ या तो घूमो, इंफॉर्मेशन इज पावर। हमारे पास में प्रोजेक्ट था गोट रिपेलेंट बना, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पैसे दिए और हम यंग साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। बकरी के पीछे मैं मजाक में नहीं घूम रहा हूँ, हम 3 महीने घूमे बहन जी 3 महीने घूमे, क्या खाती है क्या नहीं खाती, तो परेशान हो गया बकरी वाला, मुझे सर अब तो मत आओ बोले मेरे साथ, इतने प्रश्न की बोछार किया, वो इनको तो डांट नहीं सकते जैसे आपको डांटा, वो डांटता था तो हम सुनते घूमते,
और फिर ये इन्फॉर्मेशन मिला है करीब 70-80 पेड़ों की इन्फॉर्मेशन है अपने पास में कि जिसे बकरियां नहीं खाती आएंगी। गुजराती में कहावत है, तो ये गुजराती है, ऊंट छोड़े आंकड़ो। ऊंट जो होता है आंख, आंख का पेड़ होता है, ये हिंदी वाले नाम ही है आंख। हनुमान जी को फूल चढ़ाते ना, ऊंट छोड़े आंकड़ो, ऊंट छोड़ता है आंकड़ो, बकरी छोड़े कांकड़ो, कंकड़ छोड़ती है बस, सब खा सकती है, सब चीजें लेकिन उसके बावजूद भी प्रिफरेंस दिया तो कुछ चीजें वो नहीं खाती। ये तमाम वनस्पतियां आपको उद्योजक बना सकती है, मजाक में बात नहीं कर रहे हैं। ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं ये कमर्शियली वायबल करके हम लोगों ने दिखाया हुआ है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। पिछले साल कोई निम्बोली की बात कर रहा था आपने से, तो निम्बोली जो होती है निम्बोली से हम लोग अर्थ बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नीम हर्बो पेस्ट, ये हर्बल है और पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है, इससे बनाया। पिछले साल